सब्सक्राइब कीजिए मनीष सक्सेना फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ग्रो योर फोटोग्राफी बिजनेस, यानी कि बेस्ट वे कौन सा है आपके फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो करने का। आज मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। बहुत सारे जो अपकमिंग फोटोग्राफर्स हैं या जो एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स हैं या जो बिगिनर्स हैं, वो मुझे ये सवाल हमेशा करते हैं कि सर हमारा काम अच्छा है, हमारे पास अच्छी फोटोग्राफ्स का कलेक्शन है, लेकिन फिर भी जो है हमारे पास फोटोग्राफी शूट्स नहीं आ रहे हैं, असाइनमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या कारण है हमें असाइनमेंट्स नहीं मिल रहे हैं और किस तरह से जो है हम अच्छे से अपने काम को मार्केट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई तरीका बताइए जो कि ज़्यादा महंगा भी ना हो और उससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो ये वीडियो मैंने खास तौर से उन बिगनर फोटोग्राफर्स के लिए और एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स के लिए बनाया है जो कि इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे अच्छा और जो चीप तरीका है आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने का, वो है फ्रेंड्स किसी भी फोटोग्राफर की वेबसाइट। यस फ्रेंड्स, वेबसाइट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टूल होता है, एक मार्केटिंग टूल होता है किसी भी फोटोग्राफर के लिए। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है उस वेबसाइट का, वो ये है फ्रेंड्स कि आप अपनी वेबसाइट के थ्रू, यानी कि वेबसाइट जो है आपकी एक चलती फिरती ऑनलाइन शॉप है और ये शॉप जो है दुनिया में कोई भी आदमी अपने घर बैठ के देख सकता है। बहुत सारे फोटोग्राफर जो हैं ये वो मिस्टेक करते हैं कि वो ठीक से अपनी वेबसाइट जो है अच्छे से इंडेक्सिंग करके नहीं बनाते हैं और उसमें जो है अपना लेटेस्ट इमेजेस नहीं डालते हैं, ना ही वो उसके अंदर ये बताते हैं कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं और किस चीज़ का वो क्या प्राइस लेते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी वेबसाइट पे मेंशन करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये मेरे प्री वेडिंग शूट्स हैं, अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं, और ये मेरे वेडिंग्स के शूट्स हैं और ये मेरी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है, तो अगर आप सारे ऑप्शंस अच्छे से डालेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे कि आपके काम में जो है एकदम चेंज आएगा, आपकी जो ग्रोथ है एज अ फोटोग्राफर वो बढ़ेगी, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे शूट्स जो है वो मिलने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं खुद इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैंने खुद ट्राई किया है और पिछले 7-8 साल से मैं अपनी वेबसाइट को रेगुलर जो है चला रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी इंक्वायरीज जो है वहाँ से जनरेट होती हैं, काफ़ी सारा काम वहाँ से जनरेट होता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम एब्रॉड। काफ़ी लोग देखते हैं वेबसाइट, चूंकि मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ, तो अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ मैंने मॉडल्स के पोर्टफोलियोज डाले हुए हैं, वहाँ मैंने अपना ज्वेलरी का वर्क डाला हुआ है, वहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी डाली है, वहाँ मैंने ब्यूटी एंड हेयर रिलेटेड फोटोग्राफी डाली हुई है, वहाँ मैंने फैशन के जो एड कैंपेन्स है जो शूट किए वो मैंने वहाँ डाले हुए हैं, वहाँ मैंने अपने बारे में लिखा है मैं कहाँ लोकेटेड हूँ, मैंने अपने स्टूडियो के पिक्चर्स वहाँ डाले हैं, वहाँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो हो सकती है इंपॉर्टेंट जो क्लाइंट को चाहिए वो सब इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वेबसाइट पर डाली है। तो जब क्लाइंट वेबसाइट को ब्राउज करता है तो उसे आइडिया हो जाता है कि ये फोटोग्राफर जो है इस तरह का काम करता है, और उसके बाद अगर वो सब देखने के बाद मुझे कॉल कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि 50% जो क्लाइंट है वो कन्विंस हो चुका है, उसके बाद ही वो सब देखने के बाद आपको कॉल कर रहा है। तो वेबसाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि सर हमने आपकी वेबसाइट दी है देखी है और आपकी वेबसाइट हमें बहुत अच्छी लगी है, इजी टू ऑपरेट है, चाहे हम मोबाइल पे खोलेंगे तो खुल जाती है और अगर हम अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे खोलते हैं तो इजीली ओपन हो जाती है, तो सर आपने वेबसाइट कहाँ से बनवाई, क्या आपने वेबसाइट खुद बनाई है, कितना पैसा लगा, तो मैं आपके साथ आज ये भी शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो पहला पॉइंट तो क्या हुआ फ्रेंड्स, बेस्ट वे टू ग्रो योर फोटोग्राफी बिजनेस इज बिल्ड अ वेरी वेरी गुड वेबसाइट फॉर यू। तो आप एक वेबसाइट जल्दी से अपनी बनाइए। और जो दूसरा पॉइंट है आज का वो ये है फ्रेंड्स कि हम जो है आज आपको बताएंगे कि मैंने अपनी वेबसाइट को कैसे बनाया और आप भी उस वेबसाइट को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी जो वेबसाइट है वो एक US बेस्ड कंपनी है, ये मैं स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ना, मुझे उन्होंने कुछ इस बात के लिए कहा है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जो मैंने किया है वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे किसी ने बताया था इस वेबसाइट के बारे में कि भाई अगर आप ये वेबसाइट पे जाएंगे तो आप एक फोटोग्राफर्स के लिए, स्पेशली वो लोग फोटोग्राफर्स के लिए ही डिज़ाइन करते हैं, उनके कुछ टेम्पलेट्स हैं जो आप घर बैठे ही डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स डाइव इन टू format.com, ये वेबसाइट का नाम है, आप अपने स्क्रीन पे आप देखेंगे www.format.com टाइप कीजिए, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पे पूरा प्रोसेस है। तो चलिए वो प्रोसेस मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली समझ जाएंगे और आप देख पाएंगे कि कितनी जल्दी हमने अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर लिया, यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर हमारी वेबसाइट बनके तैयार भी हो गई बहुत ही कम पैसों में। तो मैं आपको बता दूं कि जो पैसे हैं इसके वो फ्रेंड्स मैं कुछ इसमें देता हूँ $12.99, यानी कि $13 के आसपास में महीने का देता हूँ, जो कि मेरे क्रेडिट कार्ड से अपने आप कट जाता है। तो ये लगभग 800-900 रुपये के आसपास तक आता है महीने का, तो आप पकड़ लीजिए साल का 12,000 रुपये, तो जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी एक पूरी शॉप, ऑनलाइन शॉप आपके, यानी कि आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो आपका इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट पर है और हर आदमी जो है उसे देख सकता है,
और फिर जो मैं अपनी वेबसाइट है उसे फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू मैं उसे प्रमोट भी करता हूँ ताकि मुझसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिले। तो मैं भी आपको भी यही कहूँगा कि अगर आप भी ये तरीका अपनाते हैं तो आपको भी बिजनेस काफ़ी अच्छे से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं मेरी वेबसाइट और हम देखते हैं बैकहेंड पे जाके कि किस तरह से मैंने अपनी वेबसाइट को बिल्ड किया है। manishsaxena.com ये देखिए यहाँ पे, और मेरी वेबसाइट का लुक ये देखिए इस तरह से है। मैं वेबसाइट को आप देख सकते हैं, ये मैंने इसे इस तरह से जो है ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी फ्रेंड्स, ये मेरी वेबसाइट है। अभी मैंने कैसे बनाई है चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल। तो आप फ्रंट पेज देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने अपना वर्क, पोर्टफोलियोज, ब्यूटी एंड हेयर, फैशन, ज्वेलरी, पोर्ट्रेट्स जो हम सिखाते हैं बच्चों को स्कूल ऑफ फैशन फोटोग्राफी ट्रेनिंग देते हैं उसके बारे में, छोटी सी शोरी स्टूडियो, एमलाइन स्टूडियो की पिक्चर्स, बिहाइंड द सीन्स हम लोग कैसे काम करते हैं वो सब मैंने डाला है, वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पे जो आप देखते हैं मेरे बारे में, अबाउट, कॉन्टैक्ट और हायर एमलाइन स्टूडियो, यानी कि जो लोग हमारा स्टूडियो हायर करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है। सो ये मेरी वेबसाइट है और आप कोई भी पिक्चर से पोर्टफोलियोज आपको देखना है तो आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आप सामने देख रहे हैं पोर्टफोलियोज का सेक्शन आ गया पूरा। सो इट्स वेरी इजी, आप यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए ये पिक्चर खुल गई है, इस पर क्लिक करेंगे दूसरा आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तीसरा पिक्चर, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो है आप वेबसाइट, बहुत इजी टू ऑपरेट है फ्रेंड्स। अब ये बनाया कैसे है फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने आपको बताया हम यहाँ टाइप करेंगे www.format.com, ये देखिए आ गया ऊपर, जैसे हमने प्रेस किया तो आप देख रहे हैं ये format.com, तो ये एक वेबसाइट है फ्रेंड्स format.com, यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ आपको जो है फ्री ट्रायल भी है, जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है स्टार्ट अ फ्री ट्रायल, कोई क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है शुरू में, आपको फ्री में ट्रायल है ये, तो आप बिल्कुल 14 डेज की ट्रायल जो है ये आपको फ्री देते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको अच्छी लगे तो आप बाद में इसे रेगुलर कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे तो आप बंद कर सकते हैं, कोई इसमें आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है इनकी तरफ से। अब यहाँ आप देखेंगे थीम्स, तो हम थीम्स पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने क्लिक किया थीम्स पे तो आप सामने देख रहे हैं, देखिए इतने सारे थीम्स आपके सामने आ जाएंगे, देख रहे हैं ये थीम्स हैं अलग अलग, माइका, स्लेट, सेरा, पीक। तो मेरी जो वेबसाइट है फिलहाल ये डिज़ाइन है, मैंने जो है पीक डिज़ाइन सेलेक्ट किया अपनी, जो आप मेरी वेबसाइट देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं मोबाइल पे तस्वीर, ये देखिए छोटा, ये इसका मोबाइल वर्जन है। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो ये डेस्कटॉप और लैपटॉप पे ऐसी दिखाई देगी और मोबाइल पे इस तरह से दिखाई देगी, तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स ये इस तरह से। देखिए और भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी वेबसाइट जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए, जो भी थीम आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी लॉगिन कर लेता हूँ मेरी वेबसाइट में। सो मैंने अब लॉगिन कर लिया फ्रेंड्स, जैसे मैंने लॉगिन किया मुझे यहाँ ऊपर मैसेज आ रहा है हाय मनीष, यहाँ ये मेरे कह रहे हैं, यहाँ ये मुझे कह रहे हैं कि पेजेस जो है एडिट योर कंटेंट, डिज़ाइन अगर मुझे एडिट करना है, सेटिंग्स मुझे एडिट करनी है। इसके बाद जो है यहाँ पे साइट मेन्यू एडिटर है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ मैं अपना जो है मेन्यू एडिट कर सकता हूँ, जैसे कि मेन्यू में मेरा है वर्क, पोर्टफोलियोज, ब्यूटी एंड हेयर, फैशन, ज्वेलरी, पोर्ट्रेट्स, स्कूल ऑफ फैशन फोटोग्राफी, एमलाइन स्टूडियो, बिहाइंड द सीन्स, वीडियोस एंड वर्क, मेरा होम पेज। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई नया पेज ऐड करना है तो मैं बहुत ईजीली जो है ऐड कर सकता हूँ, और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी वर्क पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने वर्क पे क्लिक किया तो ये देखिए इस तरह से दिखा रहा है बैक हैंड पे, यहाँ मैं कोई भी मुझे चेंजेस करने हैं तो मैं आसानी से चेंज कर सकता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ आ जाता है एडिट पेज कंटेंट, रीनेम, रीडिज़ाइन, यानी कि वर्क की जगह मुझे कुछ और नाम रखना है तो वो भी मैं रख सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है बहुत ईजी टू यूज़ है फ्रेंड्स, आप एक बार इसे ट्राई करिए, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ ऊपर सिंबल है ये है डेस्कटॉप या लैपटॉप का, तो ये मैं इस पर यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये मेरा आ गया लैपटॉप का स्क्रीन, मुझे ऐसे दिखाई देगा या डेस्कटॉप का, और मोबाइल का वर्जन देखना है तो मैं यहाँ मोबाइल पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मोबाइल पे इस तरह से जो है मेरी वेबसाइट दिखाई देगी, देखिए सामने आ गया मोबाइल पे, तो मोबाइल वर्जन भी आ गया, तो बहुत इजी है फ्रेंड्स। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरह से पिक्चर आती जाएंगी, ये मेरा मोबाइल वर्जन है। तो जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करते वक्त ही आप देख पाएंगे कि आपका मोबाइल वर्जन कैसा दिख रहा है, आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप वर्जन कैसा दिख रहा है। फिलहाल मैं इसे वापस डेस्कटॉप पर कर देता हूँ, ये मेरा डेस्कटॉप का वर्जन आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ, मेन्यू जो है अपना कोई भी, अगर मुझे नाम चेंज करना है, रीनेम करना है, वो सब मैं कर सकता हूँ। अब चलिए हम थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ पे डिज़ाइन एडिटर में, तो जैसे हम डिज़ाइन एडिटर में आए हैं फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं थीम, अगर मुझे थीम चेंज करनी है तो मैं थीम भी अपनी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि अभी मैंने पीक थीम है, अगर मुझे कोई और थीम चाहिए, अगर मुझे वेबसाइट का टाइटल या लोगो डालना है या चेंज करना है तो वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। कलर्स जो है मैं जैसे अगर मुझे बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर ब्लैक चाहिए तो मैं वो कर सकता हूँ, या मुझे फॉन्ट्स यहाँ पे अलग दूसरे कलर में चाहिए तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ये टाइपोग्राफी है,
यहाँ पे अगर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अलग अलग फॉन्ट्स आ जाएंगे, मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने यही फॉन्ट्स रखे अपने, बट अगर मुझे यहाँ फॉन्ट्स अलग चाहिए तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। सोशल शेयरिंग मैं यहाँ कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर अपना ट्विटर का अकाउंट अटैच कर रखा है, फेसबुक का, यूट्यूब चैनल और मेरा इंस्टाग्राम और मेरा पिंटरेस्ट का। तो ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको। तो जब आप मेरी वेबसाइट देखेंगे तो आप यहाँ से मेरे ट्विटर पे भी मैं इमेजेस शेयर कर सकता हूँ, फेसबुक भी पेज आप मेरा यहाँ से खोल सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी मेरा आप यहाँ से खोल सकते हैं, इंस्टाग्राम भी और पिंटरेस्ट भी। तो ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैं बैक कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने हैं फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ जाऊँगा साइट मेन्यू एडिटर में और फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है यहाँ पे वर्क, मुझे अपने वर्क में कुछ पिक्चर्स अगर चेंज करने हैं तो मैं बहुत इजीली कर पाऊंगा चेंज यहाँ पे। और जैसे मैं यहाँ पे करूँगा एडिट पेज कंटेंट, ये देखिए अब यहाँ पे जो है, देखिए जैसे मैंने एडिट कंटेंट पे क्लिक किया, ये देखिए ये पेज खुल गया है। अब यहाँ लिखा है ऊपर ऐड आइटम, तो मुझे मान लीजिए यहाँ पिक्चर कोई ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, या मुझे यहाँ से पिक्चर शफल करनी है। अब ये पिक्चर मुझे सपोज यहाँ रखनी है, तो मैं इसे सीधा ड्रैग करूँगा अपने की अपने पैड से और देखिए ये पिक्चर यहाँ चली गई। या मुझे इसको फर्स्ट पे रखना है तो मैंने यहाँ रख लिया। ये इमेज अगर मुझे ऊपर चाहिए तो मुझे सिर्फ ड्रैग करना है, तो देखिए इस तरह से। तो ड्रॉप एंड ड्रैग है, बहुत इजी है फ्रेंड्स ये। आप बिल्कुल कुछ घंटे में, मतलब एक डेढ़ घंटे में आपकी पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी डिटेल में, अगर बड़ी वेबसाइट है, और छोटी वेबसाइट भी आप बहुत ही जल्दी बना पाएंगे इस पे। और अगर मुझे कोई इमेज डिलीट करनी है तो यहाँ मुझे ऊपर जाना है, डिलीट बटन दबाना है और ये इमेज यहाँ से डिलीट हो जाएगी। या मुझे इमेज जो है कोई ऐड जैसे करनी है तो यहाँ ऐड आइटम, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ अगर मुझे इमेज एडिट ऐड करनी है तो इमेज, अगर मुझे कोई वीडियो डालना है अपनी वेबसाइट पे तो वीडियो, या मुझे कोई टेक्स्ट डालना है टेक्स्ट, या मुझे कोई हेडर यानी कि कोई भी अपना हेडर चेंज करना है उसका टेक्स्ट वो कर सकता हूँ, हेडर की इमेज मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो चलिए हम इमेज डाल के देखते हैं। तो मैं यहाँ इमेज पे क्लिक करूँगा। अभी पूछ रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप, अपलोड इमेज, ड्रॉपबॉक्स से भी आप कर सकते हैं और सीधा अपने हार्ड डिस्क या अपने कंप्यूटर से भी, और अगर आपकी ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट में आपकी पिक्चर है वहाँ से भी आप पिक्चर ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको जैसे यहाँ अपलोड में इमेज करता हूँ, डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे मान लीजिए ये इमेज चाहिए अपने फ्रंट पेज पे, तो मैंने इसे जो है यहाँ पे देखिए क्लिक किया और ये चूज किया, तो ये इमेज जो है ये देखिए इस तरह से जो है इमेज ये 4 MB की दिखा रही है और ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए इमेज जो है अपलोड कंप्लीट हो गया है, ये दिखा रहा है यहाँ पे। और अब हम क्लिक करेंगे डन पे, तो जैसे मैंने डन पे क्लिक किया देखिए बिल्कुल नीचे नीचे इमेज आ गई है, ये इमेज यहाँ पर ऐड हो चुकी है वेबसाइट पे। अब मान लीजिए मुझे इसे नंबर वन पहले इमेज पे रखना है, सबसे पहली पहली इमेज वर्क पे, तो मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ से, सिर्फ अपने इसको ड्रैग करना है इस तरह से, और देखिए ये ऊपर ड्रैग होते हुए ये इमेज ऊपर के पेज पे चली जाएगी, ऊपर सबसे नंबर वन पे पोजिशन पे चली जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए ये नंबर वन पर आ गई है। अब यहाँ मुझे सिर्फ क्या करना है, सेव चेंजेस। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेव चेंजेस, ये सेविंग हो रही है, ये आ गया सेव्ड, यानी कि ये इमेज सेव हो चुकी है। अब मुझे अगर लाइव देखना अपनी वेबसाइट पे तो हुई है कि नहीं ये पिक्चर अपनी एक्चुअल वेबसाइट पे, तो मैं यहाँ से लाइव जा सकता हूँ। ये देखिए अब ग्रीन कलर का दिख रहा है व्यू, यानी कि व्यू लाइव साइट। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा व्यू लाइव साइट पे, ये देखिए ये पिक्चर, ये देखिए यहाँ पर आ गई है मेरी वेबसाइट पे, ये पिक्चर ऐड हो गई है। सो इट्स वेरी इजी फ्रेंड्स, यानी कि 2 मिनट में मैंने पिक्चर ऐड कर ली। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं ये विंडो बंद कर देता हूँ। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, फिलहाल मैं ये पिक्चर अभी डिलीट कर देता हूँ अपनी वेबसाइट से, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया था। तो इस तरह से आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आप उसको शफल कर सकते हैं। कोई नया शूट आया तो उसे आप पहले लेटेस्ट उसमें रखिए, जो बाद में आया है वो अलग करिए। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि साइट सेटिंग्स भी हैं। देखिए यहाँ पे मैं साइट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ एक बार ये आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा आ गया वेबसाइट हेडर मनीष सक्सेना फोटोग्राफी। यहाँ मैं अपना साइट का आइकन भी लगा सकता हूँ, जब आप साइट खोलेंगे तो साइट का चेंज, ये मेरी छोटी सी फोटो दिखाई दे रही है। यहाँ मेरा जो कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, ये सेंडर नेम, ये मेरा लोगो है यहाँ पे। और उसके अलावा ये सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर डिटेल्स सारी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा डोमेन नेम। जैसे कि ये डोमेन नेम मैं अभी क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह कि आपको एक डोमेन नेम लेना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के लिए। मैंने डोमेन नेम जो है ये मेरा manishsaxena.com है, आप भी अपनी वेबसाइट का कोई भी नाम ले सकते हैं। और मेरा जो डोमेन नेम है वो मैंने लिया था godaddy.godaddy से, तो आप godaddy पे जाके डोमेन नेम खरीद सकते हैं। बाद में वहाँ से डोमेन नेम को आपको वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा और आपकी वेबसाइट जो है एक्टिवेट हो जाएगी। चाहिए तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इस पर डिटेल में कैसे होता है सारा, ये अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ।
फ्रेंड्स, तो हम वापस एक बार डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। सो कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले जाना है format.com पे। format.com पे जाने के बाद जो है आपको थीम चुननी है, कौन सी थीम आपको लेनी है। यहाँ पर डिजाइन आ गए हैं, अब आप यहाँ पर देखिए ब्राउज थीम्स पे जा सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया ब्राउज थीम्स पे, यहाँ आपको अलग अलग थीम्स मिल जाएंगी। जो भी थीम आपको अच्छी लगे, जो आपको डिजाइन पसंद आ रहा है, आपको वो डिजाइन चुन लेना है। डिजाइन चुनने के बाद आप पिक्चर्स जो है अपने हार्ड डिस्क से जो, या आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे है इमेजेस, ये देखिए थीम आ गई है, बस वहां पे जो भी पिक्चर्स हैं आपकी वो आपको यहाँ पर ऐड करते जाना है और ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है बनती जाएगी। सो इट विल टेक नॉट मोर देन 1 आवर फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से भी बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब नाउ का बटन देख रहे हैं उसे प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद जो है बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।